मध्य प्रदेश के गुना जिले के म्याना में मां मणिमंता मैया मंदिर परिसर के शिखर पर चढ़ने वाले कलश की बोली का आयोजन है श्री जगदम्बिका सेवा समिति के अध्यक्ष विक्रम सिंह गुर्जर के नेतृत्व में हुआ। इस कार्यक्रम की शुरुआत म्याना के सदर बाजार में हुई, जहां स्थानीय लोग एकत्रित होकर मां मणिमंता माता जी के चित्र पर पूजन अर्चन करते हुए कलश को रखा गया। वही बोली की शुरुआत विनोद सोनी द्वारा 21,000 रुपए की राशि से की गई, जिसे कान्हा साहू ने आगे बढ़ाया। तत्पश्चात म्याना के ओझा खटे का भदौरिया परिवार समेत अन्य लोगों ने भी कलश की बोली बढ़ाई। अंत में बोली 52,501 रुपए पर भदौरिया परिवार के पास जाकर रुकी। वहीं भदौरिया परिवार के सदस्य भूपेंद्र सिंह भदौरिया द्वारा बताया गया है कि मां मणिमंता माता जी उनके कुल देवी है और उनके परिवार की इच्छा थी कि उनके हाथों से माता रानी का कलश चढ़े। उन्होंने सभी म्याना वासियों का समर्थन मिलने पर आभार व्यक्त किया और कहा कि यह उनके लिए एक विशेष सौभाग्य की बात है। जो आपने कलश की बोली लगाई, उसमें सब क्या कहें, क्या सोच कर लगाई सर? आज कलश की बोली म्याना नगर में जगदम्बिका सेवा समिति के मार्गदर्शन में संपन्न हुई और ये जगदम्बिका सेवा समिति के सदस्य और आदरणीय अध्यक्ष जी की सहयोग रहा है कि भदौरिया परिवार को इस सेवा का अवसर मिला है। और ये समस्त पूरे भदौरिया परिवार की जो आस्था थी, हमारी कुलदेवी हैं मणिमंता माता जी और आराध्य देवी हैं म्याना और म्याना क्षेत्र की, हम लोगों की आस्था थी कि एक सहयोग छोटा सा हम लोगों को करने का अवसर मिले। पूरी समिति ने, पूरे म्याना की जनमानस ने हम लोगों को ये आशीर्वाद दिया। हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। क्या नाम आपका? भूपेंद्र सिंह भदौरिया, भदौरिया परिवार का सदस्य। गुना से रणधीर चंदेल की रिपोर्ट।